गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन अंडर द यूनिट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एवरीथिंग अबाउट द ड्रग, द रूट्स, राइट्स एंड इन प्रीवियस जस्ट प्रीवियस पीपीटी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसीजर्स. कंटिन्यूइंग दैट प्रोसीजर्स, इन दैट प्रीवियस पीपीटी वी डिस्कस्ड अबाउट द एंटरल रूट administration and parenteral drug administration procedure. Okay, next today the continuing that procedure we will discuss about topical medication applications, drugs applied topically to the skin or mucous membranes mainly for local action. टॉपिकल मेडिकेशन एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जब हम ड्रग को स्किन के ऊपर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं. ओके, इनके फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं? स्किन एप्लीकेशंस, नेजल इंस्टीलेशंस, आई इंस्टीलेशन, ईयर इंस्टीलेशन, रेक्टल इंस्टीलेशन, वेजाइनल इंस्टीलेशन. सो डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्किन एप्लीकेशंस. Skin applicants are applied using gloves. Before applying medications, clean the skin thoroughly. Okay, जो skin applicants होते हैं वो skin पे apply किए जाते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले gloves पहनना चाहिए और उसको clean skin पे apply करना चाहिए. When applying skin applicants, spread the medication evenly over the involved surface and cover the area well. Okay. हमें उस एरिया को, उस मेडिसिन को उस एरिया पे कम्प्लीटली स्प्रेड करके उसको कवर करना चाहिए. टॉपिकल स्किन और डर्मेटोलॉजिक प्रिपरेशन इंक्लूड्स ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, क्रीम्स, लोशंस, पाउडर्स, स्प्रेज एंड पैचेस. तो टॉपिकल स्किन एप्लीकेशन में ये सारे आएंगे, लोशन, क्रीम्स, पेस्ट, पाउडर, स्प्रे. तो हम देखते हैं इन सबको कैसे अप्लाई करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट पाउडर, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग स्किन प्रिपरेशंस में पढ़ रहे हैं हम. सबसे पहले पाउडर को कैसे अप्लाई करना है. मेक श्योर द स्किन सर्फेस इज ड्राई, स्प्रेड अपार्ट एनी स्किन फोल्ड्स एंड स्प्रिंकल द पाउडर अंटिल द एरिया इज कवर्ड विद अ फाइन थिन लेयर ऑफ पाउडर. कवर द साइट विद अ ड्रेसिंग इफ ऑर्डर्ड. तो पाउडर को कैसे स्प्रिंकल करना है और उस एरिया को हमें जो है कवर करके रखना है अगर ऑर्डर किया है तो. नेक्स्ट लोशंस, लोशंस को कैसे, लोशन को अप्लाई करने से पहले हमेशा कंटेनर को शेक करें. शेक द कंटेनर बिफोर यूज़, पुट अ लिटिल लोशन ऑन अ स्मॉल गेज ड्रेसिंग और गॉज पैड एंड अप्लाई द लोशन to the skin by stroking it evenly in the direction of the hair growth. Okay, तो हमें hair growth की direction में evenly apply करना होता है lotion को. Next, creams, ointments, paste, इन सब को कैसे apply करना है. Take the medicine in the gloved hand, पहले gloves पहनी है उसके ऊपर आप उस मेडिसिन को क्रीम के फॉर्म में, ऑइंटमेंट के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में ले लीजिए. स्प्रेड इट इवनली ओवर द स्किन यूजिंग लॉन्ग स्ट्रोक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ. अप्लाई अ स्टेराइल ड्रेसिंग इफ ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पाउडर, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशंस. नेक्स्ट एरोसोल स्प्रे, स्प्रेज के फॉर्म में आजकल मेडिसिंस आई हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, स्किन के ऊपर स्प्रे करना पड़ता है. लेकिन अगेन उसको स्प्रे करने से पहले उस कंटेनर को शेक करना चाहिए. शेक द कंटेनर वेल टू मिस्क मिक्स द कंटेंट्स. होल्ड द स्प्रे कंटेनर at the recommended distance from the area, usually about 15 to 30 centimeter. Cover the client's face with the towel if the upper chest or neck is to be sprayed. Spray the medication over the specified area. तो स्प्रे करने से पहले हमेशा मिक्स कर लें आप कंटेनर, जो मेडिसिन है उसको शेक करके.
फिर हमें क्या करना है, उस स्प्रे को होल्ड करना है स्किन से कितना दूर, 15 to 30 centimeter. ओके, अगर हमें जो स्प्रे है वो चेस्ट पे या चेस्ट पे करना है तो हमेशा फेस को टॉवल से कवर करें, ठीक है. नेक्स्ट, ट्रांसडर्मल पैचेस. ट्रांसडर्मल पैचेस हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि ट्रांसडर्मल पैचेस को कैसे हमेशा क्लीन ड्राई एरिया और जो हेयर फ्री स्किन जो है, हेयर फ्री जो सरफेस एरिया, उस पर अप्लाई करते हैं. तो देखते हैं हम ट्रांसडर्मल पैच को कैसे एप्लीकेशन कैसे अप्लाई किया जाता है. सेलेक्ट अ स्किन ड्राई एरिया दैट इज़ फ्री ऑफ हेयर. Remove the patch from its protective covering, holding it without touching the adhesive edges, and apply it by pressing firmly with the palm of the hand for about 30 seconds. Advise the client to avoid using a heating pad over the area to prevent an increase in circulation and the rate of absorption. Remove the patch at the appropriate time, folding the medicated side to the inside so it is covered. तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कैसे अप्लाई करना है. 10 सेकेंड तक हमें उसके ऊपर प्रेशर लगा के रखना है. उसके बाद में एक अप्रोप्रिएट टाइम के बाद आप उस पैच को हटा लीजिए. रिमूव करने के बाद में आप उसको ऐसे फोल्ड करिए कि जो मेडिकेटेड साइड है वो अंदर की तरफ रह जाए. देखिए इस डायग्राम में बता रखा है कैसे पैच को अप्लाई करते हैं. हम हमेशा ग्लव्ड हैंड से ही टॉपिकल एप्लीकेशन जो है वो करना है. नेक्स्ट, इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटी दैट इज सपोसिएटरी. हम जब बॉडी कैविटी के अंदर ड्रग को कैसे इंसर्ट करना है. अ सपोसिएटरी इज़ अ मेडिकेटेड सॉलिड डोजेस फॉर्म यूज्ड इन द रेक्टम, वेजाइना एंड यूरेथ्रा. ओके, मेडिकेटेड फॉर्म में जो सॉलिड ड्रग होती हैं उसको हम वेजाइना, रेक्टम और यूरेथ्रा में प्लेस करते हैं. जो वेजाइनल सपोसिएटरीज होती हैं उनको बोलते हैं पेसरीज, एंड यूरेथ्रा सपोसिएटरीज आर कॉल्ड बोगीज. ओके, तो रेक्टल सपोसिएटरी, रेक्टम में अगर हमें सपोसिएटरी इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे हम. Rectal suppository, insertion of medications into the rectum in the form of suppositories. क्या प्रोसीजर है इसका. Give left lateral position with the upper leg flexed. Patient के legs flexed होने चाहिए, left lateral position में होना चाहिए. Expose the buttocks via gloves. Unwrap the suppository and lubricant the suppository. Lubricate the gloved index finger. Encourage the client to relax. Insert the suppository gently into the anal canal, rounded end first along the rectal wall using the gloved index finger. Press the client's buttock together for a few minutes. Ask the client to remain in left lateral or supine position for at least 5 minutes to help retain the suppository. ये देखिए डायग्राम में जो पॉइंटेड एंड है उसको फर्स्ट इंसर्ट करना है, ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर से इंसर्ट करना है, और उसके बाद में जो है वो क्लाइंट के बटक्स को क्लोज करके रखना है फॉर फ्यू minutes. Okay, next, instillation of drug. जब भी हम drops के form में, liquid के form में drug को देते हैं तो उसको बोलते हैं instillation. जैसे कि instillation is the administration of liquid form of drug drop by drop. Different drug instillations are nasal instillation, eye instillation, ear instillation. हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में. परफॉर्म हैंड वॉशिंग. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू क्लियर और ब्लो नोज जेंटली. ये हम पढ़ रहे हैं नेजल इंस्टिलेशन. पोजिशन द क्लाइंट सुपाइन पोजिशन विथ हेड बैकवर्ड. टेक द मेडिसिन इन ड्रॉपर. एडमिनिस्टर द नेजल ड्रॉप्स.
Have patient remain in supine position 5 minutes. Replace the articles and document the procedure. एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं नेजल इंस्टीलेशन कैसे करना है. क्लाइंट को सीधा लेटाना है, उसके बाद में उसका जो हेड है वो बैकवर्ड की तरफ ऐसे ऊपर करना है, उसके बाद में ड्रॉपर में ड्रग को फिल करके ग्लव्ड हैंड से उसको नेजल कैविटी में इंस्टॉल करके इसी पोजीशन में क्लाइंट को कुछ देर तक रखना है और डॉक्यूमेंट करनी है फाइंडिंग्स. इट्स सो सिंपल. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट आई इंस्टीलेशन. Administration of medicine drop by drop into eyes. तो आई इंस्टीलेशन देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा. इसमें हम क्या करते हैं, लोअर लिड को पुल करते हैं डाउनवर्ड और लोअर कंजेक्टिवाइल सैक जो है वहाँ पे हम मेडिसिन को इंस्टिल करते हैं. उसके बाद में पेशेंट को कहेंगे टू क्लोज द आईज. आर्टिकल्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वो हैं ट्रे, बॉल, कॉटन स्वाब्स, ड्रॉपर, ग्लव्स, मेडिसिन, किडनी ट्रे. परफॉर्म हैंड वॉशिंग. पोजिशन द पेशेंट. आस्क पेशेंट टू लाई सुपाइन और सिट बैक इन चेयर विथ हेड स्लाइटली हाइपर एक्सटेंडेड. वाइप द आईज विथ कॉटन बॉल्स From inner canthus to outer canthus. It's very important. हमेशा जो eye cleaning है जो wipe करते हैं हम वो कहाँ से करेंगे, inner canthus to outer canthus, अंदर से बाहर की तरफ. Take the medicine. Expose the lower conjunctival sac by placing the thumb or fingers of non-dominant hand on the client's cheek bone just below the eye and gently drawing down the skin on the cheek. Okay, तो जो non-dominant hand है उसके finger और thumb से हमें lower conjunctival sac को expose करके उसके अंदर instill करनी है. देखो diagram में आपको clear हो जाएगा. Administer the medicine drop into conjunctival sac. After instilling drops, ask patient to close eye gently. Replace the articles and document the procedure. Next, ear instillation. Administration of medicine drop by drop into ear. Article required are tray, dropper, gloves, medicine. Perform hand hygiene. Place client in side lying position. Straighten ear canal by pulling auricle downward and backward. Children younger than 3 years or upward and outward. Children 4 years of age and older and adults. ये बहुत important step है. जब भी हमें ear installation मतलब ear में medicine डालनी है तो हमें क्या करना होता है, patient को साइडलाइन पोजीशन में लेटाने के बाद में जो ईयर पिन्ना है हमें क्या करना होता है, ईयर कैनाल को स्ट्रेट करना होता है. तो स्ट्रेट करने के लिए जो बच्चे हैं 3 साल से छोटे तो उसमें हम ईयर पिन्ना को पुल करेंगे डाउनवर्ड और बैकवर्ड जिससे उनकी ईयर कैनाल स्ट्रेट हो जाएगी और मेडिसिन डायरेक्टली यूस्टेचियन ट्यूब में जाएगी. और अगर जो चिल्ड्रन हैं अडल्ट हैं 4 साल से बड़े हैं या ओल्डर क्लाइंट हैं उनमें हम ईयर पिन्ना को पुल करते हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड. ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा. इंस्टेंट प्रिस्क्राइब्ड ड्रॉप्स होल्डिंग ड्रॉपर 1 सेंटीमीटर अबव ईयर कैनाल. जो मेडिसिन है जो ड्रॉपर है उसको 1 सेंटीमीटर ऊपर रखना है. आस्क पेशेंट टू रिमेन इन साइड लाइन पोजिशन 2 to 3 minutes. Replace the articles and document the procedure. तो यही इसमें बात याद रखनी है कि ear पिन्ना को कैसे pull करना है और 1 centimeter above रखना है ear से dropper को. Next we will discuss about irrigation. Irrigation का मतलब होता है to flush out या फिर to wash. Some medications are used to irrigate or wash out a body cavity.
commonly used irrigating solutions are sterile water, saline or antiseptic solutions on the eye, ear and bladder. Irrigations cleanse an area. तो इरीगेशन से हम उस एरिया को क्लीन करते हैं. इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टेराइल वाटर, सेलाइन या कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. किस किस को इरीगेट, जो भी कैविटी है, बॉडी कैविटी को इरीगेट करके फ्लश कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं. चलिए देखते हैं आई इरीगेशन. एन आई इरीगेशन इज एडमिनिस्टर्ड टू वॉश आउट द कंजक्टिवल सैक, to remove secretions or foreign bodies or to remove chemicals that may injure the eye. Articles: sterile irrigating solution warmed to 37 degree Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. जो भी irrigating solution है वो body temperature पे ही होना चाहिए. Disposable gloves, cotton balls, sterile irrigating set, sterile container and irrigating tube or irrigating syringe, MSS basin or kidney tray, Macintosh towel. Explain the procedure to the client. Arrange all articles. Wash hands. Have the client sit or lie with the head tilt towards the side of the affected eye. Protect the client and the bed with Macintosh. Clean the lids and the lashes with the cotton balls moistened with normal saline or the solution ordered for the irrigation. Wipe from inner canthus to outer canthus. Discard cotton ball after each wipe. Place the MSS basin at the cheek on the side of the affected eye to receive the irrigating solution. Expose the lower conjunctival sac. Hold the irrigator about 2.5 centimeter from the eye. Direct the flow of the solution from the inner canthus to the outer canthus along the conjunctival sac. Irrigate until the solution is clear or all of the solution has been used. Dry the area after the irrigation with cotton balls or gauze sponge. Offer a towel to the client if the face and the neck are wet. Wash hands. Replace all articles and document the procedure. Different type of irrigating syringe. Asepto syringe, rubber plug. ये irrigating syringes हैं जो कि हम use कर सकते हैं for irrigation of eye, ear. Okay. पिस्टन सरेंज, देखिए ऐसे पॉम्प रे. ये सारे डायग्राम्स हैं इरीगेटिंग सरेंजेस के. नेक्स्ट ईयर इरीगेशन. एंड ईयर इरीगेशन इज एडमिनिस्टर्ड टू वॉश द एक्सटर्नल ईयर कैनाल टू रिमूव सेक्रेशंस और फॉरेन बॉडीज दैट मे ऑब्स्ट्रक्ट द ईयर. देखो ईयर को क्लीन करने के लिए, उसको फ्लश करने के लिए, या ईयर में किसी तरह की कोई फॉरेन बॉडीज़ अगर हैं तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को निकालने के लिए ईयर इरिगेशन किया जाता है. आर्टिकल्स: स्टेराइल इरिगेटिंग सॉल्यूशन वार्म्ड टू 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. डिस्पोजेबल ग्लव्स, कॉटन बॉल्स, स्टेराइल इरिगेटिंग सेट, sterile container and irrigating tube or irrigating syringe, MSS basin or kidney tray, Macintosh towel. Procedure: explain procedure to the client. Arrange all articles. Wash hands. Protect the client and the bed with Macintosh. Explain that the client may experience a feeling of fullness, warmth and occasionally discomfort when the fluid comes in contact with tympanic membrane.
assess the client to a sitting or lying position with head tilt towards the affected ear. Place the emesis basin under the ear to be irrigated. Fill the syringe with the solution. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ईयर इरिगेशन किस तरह से ईयर पिन्ना को पुल करना है, किडनी ट्रे को क्लाइंट के ईयर के अंडर प्लेस करना है और फिर ईयर इरिगेशन परफॉर्म करना है. स्ट्रेटन द ईयर कैनाल, एडमिनिस्टर द फ्लूइड, कंटिन्यू इंस्टिलिंग द फ्लूइड अंटिल ऑल द सॉल्यूशन इज यूज्ड और अंटिल द कैनाल इज क्लीन्ड. Assess the client to a sideline position on the affected side for the complete drainage of the fluid. Dry the area after the irrigation with cotton balls or towel. Wash hands, replace all articles and document the procedure. Closed bladder irrigation. जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको भी इरिगेट किया जा सकता है, फ्लश आउट किया जा सकता है. इसके लिए दो प्रोसीजर हैं, एक तो होता है क्लोज और एक होता है ओपन. लेट्स डिस्कस क्लोज ब्लैडर इरिगेशन. अरेंज ऑल आर्टिकल्स, वॉश हैंड्स, अप्लाई क्लीन ग्लव्स एंड क्लीन्स द पोर्ट विथ एंटीसेप्टिक स्वाब्स. Connect the irrigation tubing to the input port of the three-way catheter. Irrigate the bladder by allowing the irrigating fluid into bladder. Adjust the flow rate. The irrigated fluid back from the bladder is collected in urinary bladder. Wash hands. Replace all articles and document the procedure. ओके, क्लोज ब्लैडर इरिगेशन में जो इरिगेटिंग सॉल्यूशन है वो कलेक्ट होगा यूरिनरी बैग में. एक डायग्राम दिखाते हैं, ये देखो ये कैथेटर है, वन वे, टू वे, थ्री वे फॉलीज कैथेटर हैं, तो इनको यूज़ लेते हैं हम इरिगेट करने के लिए ब्लैडर को. ओके, ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर में इरिगेटिंग सॉल्यूशन जो ड्रेनेज बैग है उसमें कलेक्ट हो रहा है. इरिगेटिंग बैग लगा रखा है, फिर ड्रिप चैम्बर, फिर क्लैंप करने के लिए भी एक क्लैंप दे रखा है. ब्लैडर के अंदर ये जो ट्यूब है ये जा रही है, उसके बाद में ट्यूबिंग फ्रॉम ब्लैडर, ब्लैडर से बाहर जो आ रही हैं, पोर्ट फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ कैथेटर, ये आपको मैं यूज़ करना सिखाऊंगी, एंड ड्रेनेज बैग. तो ये है डाइग्राम क्लोज ब्लैडर इरिगेशन का. जो ओपन ब्लैडर इरिगेशन होगा उसमें ये ड्रेनेज बैग नहीं होगा. देखते हैं ओपन ब्लैडर इरिगेशन. अरेंज ऑल आर्टिकल्स, वॉश हैंड्स, अप्लाई क्लीन ग्लव्स एंड क्लींस द पोर्ट विथ एंटीसेप्टिक स्वाब. डिसकनेक्ट कैथेटर फ्रॉम ड्रेनेज ट्यूबिंग एंड प्लेस द कैथेटर एंड इन द स्टेराइल बेसिन. Place sterile protective cap over end of drainage tubing. Draw the prescribed amount of irrigating solution into the syringe. Insert the tip of the syringe into the catheter opening. Gently and slowly inject the solution into the catheter. Remove the syringe and allow the solution to drain back into the basin. Continue to irrigate the client's bladder until the total amount to be instilled has been injected or when fluid returns are clear. Remove the protective cap from the drainage tube and wipe with antiseptic swab. Reconnect the catheter to the drainage tubing. Remove and discard gloves. Perform hand hygiene. Replace all articles and document the procedure. Next is inhalation medicine. Inhalation medicine में use करते हैं nebulizers. Nebulizers deliver most medication administered through the inhaled route. A nebulizer is used to deliver a fine spray of medication or moisture to a client. The metered dose inhaler, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MDI, is a pressurized container of medication that can be used by the client
to release the medication through a mouthpiece. So this is all about the topical drug administration. I hope आपको इस PPT में ये various जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किए हैं ये समझ में आए होंगे. Stay safe. Thank you.